अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा भाई, हमारा जो टॉपिक है वो स्क्वायर रूट कंटिन्यू था। ठीक है, स्क्वायर रूट फर्स्टली हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया नंबर्स का, फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया जो है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो है वो डिवीजन मेथड से फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने सीखा हुआ है, उसके साथ ही हमने फ्रैक्शन का जो स्क्वायर रूट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वो भी कर लिया था, लेकिन आज हम करेंगे फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है जी, तो इसमें भाई क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, एक्सरसाइज है हमारे पास भाई 1.6। ठीक है, और जिसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि 144 ओवर 225, इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड, या इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्टली सॉल्यूशन हम फाइंड करने लगे हैं जी, 144 ओवर 225 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम फर्स्टली 144 और 225 को जो है ना वो सेपरेट इसको हम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट इसका आएगा क्या डिवीजन मेथड से। 144 को हमने लिखा इस तरह का जो है वो फॉर्मेट बनाया। ठीक है, तो 140 इसके हमने पेयर बनाने हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने पेयर बनाए थे, इसको ऐसे पेयर बना ले और इसके भी हमने पेयर बना लिए। ठीक है, हमने जो पेयर बनाने हैं, अगर तो हमारे पास नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, फिर हमने इस साइड से मीन्स के राइट साइड से जो है वो पेयर बनाना शुरू करने हैं। 2 डिजिट्स का पेयर बनाना है, जैसे ये है 44, ये 2 डिजिट्स हो गए। ठीक है, ये वैसे तो एक नंबर है, नंबर जो है वो डिजिट्स का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 कम्बिनेशन वो है नंबर बनता है। ठीक है, तो ये 4 4 ये हमारे पास एक पेयर बन गया और एक 1 जो है ये सिंगल रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको याद होगा नंबर्स का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था तो हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम डिजिट लिखेंगे। ठीक है, कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर या इससे लेस कोई नियरेस्ट वैल्यू आए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 1 - 1 0 खत्म हो गया। ऊपर से हमने ये पेयर जो है वो पूरे का पूरा डाउन कर लेना, नीचे ले आना है, ये आ जाएगा हमारे पास 44 जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको डबल करके यहाँ लिखना है। ठीक है, मीन्स के जो हमने यहाँ लिखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें ऐड करेंगे 1 + 1, चले मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 1 + 1 कितना हो गया जी हमारे पास 2। अब हमने यहाँ पे भी सेम नंबर लिखना है और यहाँ पे भी सेम नंबर लिखना है, मीन्स के वही डिजिट हमने यहाँ लिखना है 0 to 9, कोई भी आप यहाँ पे लिख दें और वही सेम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी नहीं, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे भी वही नंबर आए, यहाँ पे भी वही नंबर आए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 44 आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हमने मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिखा, 2 to the 4, फिर 2 to the 4 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया हमारे पास 0, तो ये आंसर जो है इसका आ गया 12। ठीक है जी, हमने 144 को तो सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे 225 को। ठीक है जी, 225 इसके हमने बना लिए जी ऐसे पेयर्स बना लिए, इसको ये पेयर बन गया एक और एक पेयर ये बन गया, सेम उसी प्रोसेस से जो हमने इसमें किया है वही प्रोसेस हमने यहां करना है। तो यहां पे 2 है तो 2 जो है मीन्स के ये भी 1 पे ही जाएगा, यहाँ भी 1 और जो इसका ऊपर आंसर लिखना था मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1 आ गया, उसके बाद जी अब हमने क्या करना है, 1 1 द 1। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे बच गया 1, ऊपर से हमने डाउन किया 25 को। ठीक है, और इसमें ऐड किया आपने 1, ये हो गया हमारे पास 2। अब हमने सेम डिजिट यहाँ लिखना है और सेम ही यहाँ लिखना है, तो अब कोई ऐसा डिजिट आप माइंड में लेके आए जिनको मल्टीप्लाई करने से उसकी जो राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक ही डिजिट है 5, जिसको 5 से 5 से जिसको मीन्स के मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 आएगा और उसके जो राइट साइड पे जो डिजिट है फर्स्ट वाला वो 5 ही होगा। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ भी 5 5 5 5 25 5, 2 बच गया, 5 2 द 10 और 2 ये हो गया हमारे पास 12 और ये आ गया हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मीन्स के 144 का जो स्क्वायर रूट था इसको मैंने यहाँ लिखा,
144 इसका सेपरेट और 25 का जो स्क्वायर रूट था वो मैंने सेपरेट कर दिया इक्वल। 144 का जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास क्या आया भाई 12 ओवर 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया 15। तो ये भाई हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इस तरह बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें कहता है कि 169 ओवर 256, ये हमारे पास भाई एक नंबर है 169 ओवर 256, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसको हमने जो है वो बाय डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है जी, 169 ओवर 256, 169 ओवर 256 इसका हमने लेना है जी स्क्वायर रूट। ठीक है, 169 को आप यहां पे साइड पे कर ले, चले मैं यहीं पे कर लेता हूं। बच्चों ये आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग जो है इसको आज क्लियर करेंगे। फ्रैक्शन को जो है हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, 169 का हम यहाँ पे साइड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 169 इसके बनाए हमने पेयर ऐसे और ये एक बच गया। ठीक है, अब 1 जो कि दो तीन दफा हम उसको कर चुके हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 1 ये हो गया सब्ट्रैक्ट, कैंसिल हो गया, ऊपर से हमने डाउन किया 69, 1 इसमें ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है जी, जब 2 आ गया तो हमने सेम नंबर यहाँ पे लिखना है, सेम डिजिट यहाँ पे लिखना है। तो आप ऐसे डिजिट कोई माइंड में लेके आए जिसको मल्टीप्लाई करने से मीन्स के वो स्क्वायर नंबर भी हो, ठीक है, और वो जो है उसके राइट साइड पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 9 भी होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, 3 3 9 और 7 7 49। अगर मैं 7 करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं 3 ही करूँगा, 3 यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 3 3 9 3 2 6, मीन्स के ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसी तरह जो है आप 256 को कर लेते हैं, 256 इसके बनाए पेयर हमने ऐसे, ये भी 1 पे गया, 1 1 1। ठीक है, ऊपर से 1, ऊपर से हमने 5 6 डाउन कर दिया। ठीक है, इसमें ऐड किया तो 2 आ गया। अब भाई अब आप कोई ऐसा डिजिट माइंड में लेके आए जिनको मल्टीप्लाई करने से मींस के यहाँ भी सेम नंबर लिखें, यहाँ भी सेम नंबर लिखें और ये पूरा पूरा हमारे पास 156 आ जाए। अब माइंड में सोचें किसी ऐसे नंबर को आपस में डिजिट को मल्टीप्लाई करें, या तो वो इसके राइट साइड पे जो है वो सारे का सारा आंसर ही 6 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई डिजिट है ही नहीं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इटसेल्फ वो आंसर 6 दे दे, मीन्स के 3 को 3 से आंसर 6 आ जाए। नो, 2 2 द वो 4 होता है, 1 1 द 2, 1 1 द 1 होता है, अब 4 4 16 होता है। राइट साइड पे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 4 4 द 16 एंड 6 6 द 36। ठीक है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे कौन सा लिखते हैं। अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 लेस हो जाएगा, अगर मैं 6 करूँ, चले टेस्ट करके देख लेते हैं, 6 6 द 36, 36 का हमने यहाँ पे 6 लगाया और फिर हमारे पास बच गया 3 6 2 द 12 12 और 3 इसमें ऐड कर दिया, ये हमारे पास हो गया जी। वेरी गुड, हो गया जी जी, इसमें ये माइनस किया और ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया और ये 16 इसका आंसर है। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, 169 स्क्वायर रूट ओवर 256 स्क्वायर रूट जी। 169 का स्क्वायर रूट हमने क्या निकाला था, ये था भाई हमारे पास 13। ठीक है जी, 13 ओवर 256 का ये हमने निकाला था 16, ये हमारा भाई रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें कहता है कि 5 होल 41 ओवर 64 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, उसको हमने सॉल्व करना है आगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। ठीक है जी, हमारा थर्ड पार्ट है 5 होल 41 ओवर 64।
ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है भाई, इसे आप सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में ले आए, ठीक है। ये होल फॉर्म में है, हम 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 64 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 फोर 20, 0 टू 5 टू द 5 6 30, 32 मींस के 320 ये हमारे पास आ जाएगा, 320 ये आंसर आ जाएगा जब हम 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 41 ऐड कर देंगे। जब हमने 41 को ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, मींस के हमने 65 को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास जो है सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन हमने करना है जी, हमारे पास क्वेश्चन है 5 होल 41 ओवर 64। सबसे पहले हमने 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 320, 320 में हमने 41 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 361 ओवर 64, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने फाइंड करना था 5 होल 41 ओवर 64 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब भाई अब इसको 361 को साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 361 जी, इसका पेयर बनाया, एक इसका पेयर बनाया, अब 3 है तो ये 1 पे जाएगा, 1 1 द 1, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया हमारे पास 2, ऊपर से हमने डाउन किया 61 को, ठीक है। 1 इसमें ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया जी 2, ठीक है। तो अब बच्चों अब यहाँ पे सेम नंबर, पिछले वाला ये प्रोसेस, सेम डिजिट यहाँ लिखना है और सेम यहाँ लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 261 आंसर आना चाहिए जी। तो अब हमने यहाँ पे सेम डिजिट यहाँ पे लिखना है और सेम ही यहाँ लिखना है, ठीक है। अब सोचें किसी ऐसे डिजिट को सोचें जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ, उसके राइट साइड पे जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो एक तो है जी 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, उसके अलावा और कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं उसके राइट साइड पे जो है वो 1 आएगा। फिर आप चलते जाएं 3 पे चले जाएं, 3 3 वो तो होता है 9, 1 नहीं आता। फिर 5 पे वो भी 1 नहीं होता, 6 7 8 पे, हाँ जी 9 पे आ जाएगा। अगर हम 9 9 करें तो 81 आता है, लेकिन उसके राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 ही आएगा। तो चलिए इसको 9 पे करके देख लेते हैं, 9 9 9 9 द 81, 1 8 कैरी हो गया, 9 2 द 18, 18 प्लस 8 ये हमारे पास हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हमारे पास भाई कंप्लीट हो गया, इसका ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हम करेंगे जी 64 को, ठीक है। 64 को हमने किया तो ये तो हमारे पास सेम ही मींस के एक ही पेयर आ गया। अब इसको आप 8 पे ले जाइए तो हमें हर किसी को पता है कि 8 8 का ये होता है जी हमारे पास 64, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 8 आ गया जी। तो ये 3361 इसका स्क्वायर रूट अलहदा और 64 का स्क्वायर रूट अलहदा, ठीक है। तो हमारे पास जो 361 का जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास आ गया जी 19 ओवर 64 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 8। अब हमने इसको डिवाइड करके मींस के होल फॉर्म में आंसर लेके आना है। कैसे लेके आए, 19 को आप डिवाइड करें 8 में, 8 1 द नहीं 8 2 द 16, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 3। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 होल 3 बाय 8, ये रिमाइंडर है, ये आंसर है और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आने वाली वैल्यू है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 2 होल 3 बाय 8, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।